हेलो दोस्तों, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स, यूजी, पीजी, एटी, केटी जितने भी हैं, आप देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो अपलोड हो चुका है। आप अब यहाँ पे जाके और अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो साइट है मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया है। अब यहाँ आप देखिए, जैसे आप होम पे जाते हैं, मैं इसकी लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा एंड कमेंट बॉक्स में भी। आप दोनों जगह जाके कहीं पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ तक रीच कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप यूजी कोर्स के हैं, अंडर ग्रेजुएट, तो आपको यहाँ पे जाना है। ये देखिए, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट है। आप मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर से किसी से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आप बीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे बीए कर रहा हूँ, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जस्ट 1 मिनट से भी कम आपको वेट करना होगा, ये अपलोड हो जाएगा, तुरंत आपके सामने दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके सामने आ गए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कौन कौन से सब्जेक्ट का है आप यहाँ पे देख पाएंगे। लाइक यहाँ पे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो भी चूज करें सभी को आप देख पाएंगे। जो आपके स्ट्रीम में हो आप उनको सिलेक्ट करिए, आप उनको डाउनलोड करिए, मतलब क्लिक करेंगे तो पीडीएफ ओपन होगा। और देन आप वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा। आप उत्तर पुस्तिका की संख्या सामान्यतः 16 पृष्ठ से अधिक न हो, मतलब जो आप आंसर लिखे हैं 16 पृष्ठ से ज़्यादा आप यूज ना करिएगा, मतलब कंजेस्टेड ही लिखिएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक विकास के निर्धारित तत्वों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल जाएंगे, आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप सेक्शन एक लिख लेते हैं, तो जब सेक्शन आप बी अटेम्प्ट करेंगे, खंडवा अटेम्प्ट करेंगे, वो बिल्कुल नए पेज से करना है आपको। तो आप अटेम्प्ट करिए दोस्तों, एंड बेस्ट ऑफ लक। आराम से घर बैठ में एग्जाम दीजिए, कोई भी टाइम का बॉर्डेंसन नहीं है, और जो भी आगे कोई दिक्कत जाए आप हमसे आस करिए। थैंक्स।